अस्सलामुअलैकुम सब दोस्तों को। आज ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है कुकिंग पर। वैसे तो मैं टिकटॉक और सॉन्ग्स वगैरह की वीडियो शेयर करता रहता हूँ, ठीक है अपनी। तो आज ठंड का मौसम है और अभी मैं हूँ भी छत पर, तो मैंने सोचा चलो एक कुकिंग पर ही हुई आज वीडियो बना दी। आज मैं आपको, मेरा दिल था स्पाइसी चिकन नूडल्स खाने का, तो मैंने कहा चलो उसकी रेसिपी शेयर कर देते हैं। तो आज मैं आपको स्पाइसी चिकन नूडल्स बनाना सिखाऊंगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और अगर पसंद आई लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो चलो पहले आपको ये मौसम दिखा दो, मैं छत पे हूँ। मौसम के बाद फिर हम चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ जो बनाना है आज हमने। चलो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, बनाने की तरफ, मतलब कि रेसिपी बनाने की तरफ, ठीक है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हमने चूल्हे पर देगची रख दी है, जो आंच है वो मीडियम टू हाई, ठीक है। और अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट डाल देंगे और इसको हिला देंगे। और अब हम 5 से 6 मिनट या 8 मिनट भी लग सकते हैं। अब हम वेट तो हल्का सा उबल नहीं जाता, तो अब वेट करते हैं। पानी में अब उबाइल आ चुका है और अब हम इसमें नूडल्स डालते हैं। ये वाले नूडल्स आप चाहें तो पूरे भी डाल सकते हैं, मतलब कि हाफ दरमियान से करके, या जिस तरह आप चाहें। तो मैं, क्योंकि मेरा पतीला जो है वह छोटा है, तो इसलिए मैं इसमें हाफ करके डालूंगा। चलिए डालता हूँ मैं। अब हाफ हो गए हैं, कुछ मैं पूरे डाल दूंगा और कुछ हाफ डाल दूंगा। इस तरह आप जिस तरह चाहें डाल सकते हैं। इसी तरह हम लोग सारे इसमें डाल देंगे। यहाँ पे अब जो नूडल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बॉईल हो रहे हैं, और तकरीबन बस 2 से 3 मिनट और लगेंगे ये बॉईल हो जाएंगे। उसके बाद हम इनको निकालेंगे, ठीक है। अभी बॉईल होने देते हैं 1 से 2 मिनट 3 मिनट और इनको। नूडल्स बॉईल हो गए हैं और अब हम इसको इसमें पतीले में डाल देते हैं और ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें डाल देते हैं, ठीक है ठीक है। पानी डाल देंगे, ठीक है। ठंडा पानी डाल दिया, अब हो जाएंगे नूडल सही। तो उसके बाद हम लोग नूडल्स रखती है, ठीक है। अब हम लोग एक और पतीला रखेंगे चूल्हे पे। अब हमने चूल्हे पर एक पतीला रख दी है और अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। एक टेबलस्पून, दो से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल गया इसमें। और अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन, डाल देंगे चॉप किया हुआ, ठीक है। लहसुन डाल दिया, अब लहसुन को फ्राई करना है इसमें, ठीक है। फ्राई कर देना है जब तक ये फ्राई होता है, तो ठीक है फ्राई हो जाए चिकन। और वो भुना गया था, अब हम इसमें हमने वेजिटेबल डाल दी है, ये गाजर डाल दी है, ठीक है। अब हम इसको भूनेंगे गाजर को सारी। यहाँ पे और भी हैं जिसको हमने पहले ही चॉप कर लिया था, ये है शिमला मिर्च, ये बंद गोभी, ये आलू बॉयल और ये मटर हाफ बॉयल, ठीक है। हम जब ये डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे, ठीक है। जब ये भूना जाएगा थोड़ा सा, तो फिर हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। अब इसको भूनते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ब्राउन हो चुके हैं थोड़ा सा। और अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, कटी हुई चॉप की शिमला मिर्च डाल देंगे। आप चाहें और भी वेजिटेबल्स हो सकती हैं, अगर आपने डालनी है तो वो आप डाल दीजिएगा जो आपको पसंद होंगी, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग अच्छी तरह भून लेंगे
जब तक ये ब्राउन या पक नहीं जाते चिकन, इन दोनों को पकाएंगे और इसके बाद बाकी चीज़ें डालेंगे। इस पॉइंट पे आके जब ये भुना जाएगा तो हम इसमें पहले डाल देंगे बंद गोभी, क्योंकि हमने आलू और वो तो हाफ बॉईल किए हुए थे, वो तो आराम से पक जाएंगे, ठीक है। तो ये डाल देंगे, इसको हल्का सा भून लेंगे। एक दो मिनट भूनने के बाद फिर हम इसमें मटर और आलू भी डाल देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो मसाले हमने रखे हैं वो मसाले डाल देंगे और कुछ सॉसेज डाल देंगे, ठीक है। इसको एक से दो मिनट मिक्स कर लेते हैं। इस पॉइंट पर जब अच्छी तरह से भुना जाएगा सब कुछ, तो हम इसमें मटर और आलू डाल देंगे, ठीक है। मटर और आलू डाल देंगे, फिर और जो हम लोगों ने कुछ मसाले रखे हुए हैं वो ऐड कर देंगे इसमें, तो मटर डाल देंगे। आप कुछ स्किप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अगर आपको मटर नहीं पसंद तो मत डालें, या कोई और सब्ज़ी नहीं पसंद तो आप कुछ और सब्ज़ी अगर आपको पसंद है वो डाल दें, अगर मटर नहीं पसंद तो, ठीक है। इस पॉइंट पे अब हम लोगों ने डाल दिया, अब हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स कर देना, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ मसाले रखे हुए हैं, अब ये ब्लैक पेपर है, ये सूखा धनिया है, ये हमारे पास तिक्का मसाला है, ये नमक है और ये कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। अब ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और अब इसको मिक्स कर देंगे। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है ज़्यादा डाल दीजिएगा, जितना आपको जो पसंद है, ठीक है। अब इसको हम पाँच मिनट या दो मिनट जितना आपको लगे आप मिक्स कर दें, ठीक है। तो हम मिक्स करते हैं, अब यहाँ पर ये पक गया है, तो अब हम इसमें सॉसेज डाल देंगे। जी सॉस, चिली सॉस डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा अभी हम थोड़ा डालेंगे, फिर थोड़ा हमने डालना है बाद में जब नूडल्स डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा सिरका डाल देते हैं, 2 टेबल स्पून सिरका डाल दिया। और अब इसमें हम चिली सॉस डाल देते हैं, पहले गार्लिक तब चिली सॉस। चिली सॉस ऑप्शनल है, आपने डालना है तो डाल दें, अगर नहीं डालना तो ना डालें। मैं 1 टेबल स्पून डाल दूँगा और अब मैं इस सबको मिक्स कर दूँगा अच्छी तरह से, ठीक है। मिक्स कर दिया मैंने, अब फ्लेम भी थोड़ा हाई कर देंगे, ठीक है। सॉस डालने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट हम इसको भून लेंगे, ठीक है। भूनने के बाद हम इसमें फिर नूडल्स डाल देंगे, खाएंगे फिर मज़े मज़े से, ठीक है। अब 5 मिनट इसको भून लेते हैं। अब सब सही अच्छी तरह से मसाला बन चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे नूडल्स, जो हमारे नूडल्स हैं वो अब हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये है नूडल्स, हम इसमें नूडल्स डाल देंगे और आ गए इसमें। और अब हम इसके ऊपर से इसमें डाल देंगे सोया सॉस, ठीक है, और सिरका, ठीक है। और अब हम इसमें हल्के से कुछ मसाले डाल देंगे, वो आपको मैं दिखाता हूँ। हमने इसमें ऊपर से थोड़ा सा ये वाला तिक्का मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्चें और दरा मिर्च, और ये थोड़ा सा नमक, ये हम इसके ऊपर से डाल देंगे, ठीक है। अब इसको हम इसमें मसाले ऐड कर दिए, दरा मिर्चें और जो ये तिक्का मसाला और नमक, अब हम इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है।
अब इसको हम मिक्स कर देंगे। अब इसको मिक्स कर रहे हैं, मज़े मज़े की खुशबूएं आ रही हैं। मिक्स कर दिया सारा। आप चाहे कुछ मेरी हेल्प से भी कर सकते हैं, अभी नीचे बहुत मसाला पड़ा है, ठीक है। अब मिक्स कर देंगे। अब हो गया नूडल्स मिक्स। अब हम इसको डिश आउट करते हैं मज़े के, ठीक है। ये हो गए हैं नूडल्स तैयार, देख लेते हैं बहुत मज़े के स्पाइसी नूडल्स, और मज़े मज़े से खाएं और इन्जॉय करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।